अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल लर्स कुक विद अना जी। तो व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ चिकन अचार गोश्त मसाले का जो है हम लोग रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार झटपट तैयार होने वाली सिंपल से इंग्रेडिएंट्स जो घर पे हैं मौजूद हैं, आप उनको यूटिलाइज़ करेंगे और ज़बरदस्त सी ये जो रेसिपी है अचार गोश्त हम बनाएंगे आलमोस्ट 15 मिनट्स में। इनफैक्ट ये भी ज़्यादा है। तो सबसे पहले एक बाउल में मैंने चिकन ऐड कर दिया है, ये 1 kg चिकन है, 1 किलो के करीब ये चिकन है। इसमें डायरेक्टली हमने लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच ऐड किया है, 1/2 किलो दही। कोशिश कीजिएगा दही बहुत ज़्यादा खट्टा ना हो। और ये एक पैकेट है नेशनल अचार गोश्त, बिकॉज़ हमने ये झटपट बनाना है, हमें बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी सी और मज़ेदार सी एक डिश चाहिए थी और वो हमने रेडी करना है। तो ये आपको इसमें ऐड करना है 1 पैकेट। मैं पैकेट से थोड़ा सा कम कर रही हूँ बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा फीका नहीं चाहती। तो अगर आप स्पाइसी और खट्टा लाइक करते हैं तो आप ये पूरा पैकेट 1 kg क्वांटिटी में ऐड कर सकते हैं। इसको मिक्स करके 1/2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। कढ़ाई में हमने बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है, बहुत ज़्यादा नहीं, तकरीबन ये है ऑलमोस्ट 4 से 5 चम्मच छोटे वाले। लो मीडियम फ्लेम पे हम इसको गरम करेंगे और इसमें 2 बड़े साइज़ के जो हमने क्यूब्स में काटे हैं टमाटर वो ऐड कर दिए हैं। जी तो जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, मज़ीद प्यारी प्यारी वीडियोस रमज़ान से रिलेटेड आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस कर दीजिए और ये बहुत ज़रूरी है। टमाटरों में हम चम्मच हिलाते जा रहे हैं, थोड़ा सा हम वेट करेंगे इनको सॉफ्ट होने के लिए। आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक ये सॉफ्ट हो चुके हैं। जी तो यहाँ पे जो मैंने चिकन को मैरिनेट करके रख दिया था वो ऐड कर दिया है इसमें। हमें इसमें एडिशनल मसाले ऐड करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ हम इसमें नेशनल अचार गोश्त मसाला ऐड कर चुके हैं। बहुत आसान है और बहुत मुश्किल मेहनत नहीं करने पड़ेगी, बहुत कम टाइम में झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। फॉलो कीजिए स्टेप्स को और ज़रूर बनाइए, इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएगी इसका टेस्ट और लुक वाइज भी, और बहुत खूबसूरत है इसकी खुशबू भी। ट्राई कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जी तो यहाँ पर तकरीबन 15 मिनट से कम टाइम, ऑलमोस्ट 10 मिनट या 12 मिनट में हमने इसको लिड को उतार दिया है और देखें इसका ऑयल सामने आ चुका है, पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है, चिकन गल चुका है। यहाँ पे सब्ज़ मिर्चें जो कि मोटी मोटी हैं, साबुत हैं, इनको हमने कुछ भी नहीं करना, डायरेक्टली इसमें ऐड कर देना है, चम्मच हिला देना है इसको। इसमें हमने हाइल करके फिर से थोड़ी देर के लिए हमने इसका लिड इसके ऊपर दे देना है और 4 से 5 मिनट हमने मज़ीद वेट करना है और फिर हमारा ये अचार गोश्त मसाला बिल्कुल रेडी हो जाएगा। चिकन झटपट बहुत आसानी से बहुत कम टाइम में बट बहुत मज़ेदार। तीन से चार मिनट मज़ीद हम वेट करेंगे और उसके बाद हमारी ये ज़बरदस्त सी रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा और कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। और लुक देख सकते हैं आप इसकी, बट इस स्टेज पे इसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस, मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है और भूख तो बहुत ज़्यादा लगती है इसको देखते ही। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये बहुत पसंद आएगी। बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार अचार गोश्त रेडी है बहुत ही कम मिनट में और बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ। अगेन जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक शेयर बहुत ज़रूरी है और मेरी वीडियोस को देखने के लिए, इनको लाइक करने के लिए बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।